नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया। राजस्थान से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 7 नेताओं को उसमें जगह दी गई है। सचिन पायलट को जुलाई 2020 के बाद अब पद दिया गया है। राजस्थान से एकमात्र मंत्री महेंद्रजीत मालविया को मेंबर बनाया है। कोर सीडब्ल्यूसी के 39 मेंबर में राजस्थान से बनने वाले सदस्यों में सचिन पायलट, पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और अभिषेक मनु सिंघवी को शामिल किया गया है। हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी के तौर पर सीडब्ल्यूसी में शामिल किया गया है। मोहन प्रकाश को सीडब्ल्यूसी के 32 स्थायी आमंत्रित मेंबर्स में जगह दी गई है। उदयपुर के रहने वाले पवन खेड़ा को 9 विशेष आमंत्रित मेंबर्स में जगह दी गई है। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सीडब्ल्यूसी में है। सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे रघुवीर मीणा की जगह आदिवासी बेल्ट से जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालविया को सीडब्ल्यूसी में लिया गया है। मालविया को आदिवासी बेल्ट में जनाधार वाला नेता माना जाता है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का प्रधानमंत्री आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तय होगा। उन्होंने कहा 2024 में जीतने वाले सभी सांसद पीएम का चुनाव करेंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि भाजपा नेता स्मृति ईरानी अमेठी सीट हार जाएंगी। पुनिया ने कहा 2024 में अमेठी के लोग स्मृति ईरानी को हराएंगे। कांग्रेस या INDIA गठबंधन के उम्मीदवार की निश्चित रूप से जीत होगी। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2004 से 2019 तक राहुल गांधी सबसे लंबे समय तक अमेठी के सांसद रहे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,120 वोट से हरा दिया। 2019 में स्मृति ईरानी पहली बार सांसद चुनी गई थी। माना जाता है कि राहुल गांधी को अपनी हार की आशंका पहले से थी, जिसके कारण उन्होंने केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था। वायनाड से जीतकर राहुल सांसद बने। 2024 में उनके अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने चर्च में आग लगाने के मामले में 170 में से 160 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद से इलाके में 6,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पंजाब प्रांत के जरानवाला में 16 अगस्त को कट्टरपंथियों ने 21 चर्च को आग के हवाले कर दिया। ईसाइयों के घरों में पहले लूटपाट की गई, इसके बाद उनमें भी आग लगा दी गई। कट्टरपंथी समूहों का आरोप है कि ये चर्च ईश निंदा को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ईश निंदा से जुड़ा कंटेंट पोस्ट किया। इसमें कुरान के पन्नों का अपमान किया गया। इसके बाद जरानवाला इलाके में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। मामले में पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। उसके खिलाफ आतंकवाद अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। बॉलीवुड एक्टर और लोकसभा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित सनी विला की नीलामी का नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने वापस ले लिया है। बैंक ने सोमवार को एक खंडन जारी कर कहा कि नोटिस तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है। बैंक ने 24 घंटे के अंदर अपने फैसले को बदलते हुए सनी देओल की प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक लगा दी है। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए पूछा कि नीलामी रोकने के तकनीकी कारण कहां से आए। इससे पहले रविवार को पब्लिश हुए नोटिस के मुताबिक सनी ने 56 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे उन्होंने चुकाया नहीं। लोन ना चुका पाने पर 25 सितंबर को बंगले की नीलामी की तारीख भी दी गई थी। बैंक ने सनी से लोन रिकवरी के नोटिस का विज्ञापन भी छपवाया था। इसमें सनी के गारंटर के तौर पर पिता धर्मेंद्र का नाम भी लिखा था। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। अब अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो ने चंद्रमा की साउथ पोल की तस्वीरें शेयर की है। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हजार डिटेक्शन एंड एविडेंस कैमरा से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया था।
ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।